लोकसभा चुनाव 2019 में शत प्रतिशत मतदान में जन जागरूकता के लिए शनिवार को रामगढ़ताल जेट्टी से मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, आईजी जयनारायण सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गुब्बारे उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता के क्रम में रामगढ़ताल जेट्टी पर रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के मतदाता जागरूकता से संबंधित रंगोलियों का मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निरीक्षण किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभागी प्रीति जायसवाल की टीम को प्रथम, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की टीम को द्वितीय, शिक्षा विभाग की टीम को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, आईजी जयनारायण सिंह, एसएसपी सुनील गुप्ता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, बीएसए बीएन सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्य और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, सर अभी थोड़ी देर से कमिश्नर साहब का चेहरा छूट रहा है। सर साथ से कर लीजिए ना, दूसरे दूसरे पकड़ लीजिए, उसी हाथ से कर लीजिए, हाथ हाथ साइड से कर लीजिए। हां 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 आगे आगे ये जलपान छोड़ के जी घूमते चलिए, हम ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। पहला नाम है प्रीति जायसवाल, अपनी पूरी टीम, आप अपनी पूरी टीम के रीना किसका नाम है? रीना किसका? शिक्षा विभाग से विद्या जी की टीम। प्रेमलता आपकी टीम है? मैं प्रेस कर लेता हूँ। धन्यवाद। ये सोन प्रजापति।
मतदाता जागरूकता को लेकर के गोरखपुर में भारी मात्रा में रंगोली के माध्यम से एक तरह के संदेश दिया जा रहा है। जो लोग घर से निकल के वोट नहीं देने जाते हैं, एक लोग अच्छे लोकतंत्र का चुनाव नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए है कि आप लोग घर से निकलिए और भारी मात्रा में वोट करिए, एक अच्छे लोग को चुनाव करिए जो देश में सहभागिता निभाए और अच्छे देश का निर्माण करें। और जिस तरह से अन्य अन्य तरीके से लोग अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं मतदाता जागरूकता के लिए, उस तरह से रंगोली के माध्यम से एक अच्छे मैसेज दिया जा रहे हैं कि आप लोग घर से निकलिए और चुनाव करिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंबलाइज किया गया है, पेन का डॉट का दिखाया गया है और नीचे जो लोकतंत्र का चुनाव का सिंबल है उसको दिखाया गया है कि आप एक अच्छे शिक्षित लोगों का चुनाव करिए जो देश में अच्छे सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था को सही करें और यहाँ पे सारी चीज़ों को सही करने के लिए एक अच्छे मतदाता जागरूकता के लिए एक चुनाव करने के लिए मैसेज दिया गया है। सर, इसका उद्देश्य था कि मतदाताओं को जागरूकता कराना और ये मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने रंगोली बनाई है और ये हमारे यहाँ गोरखपुर में रामगढ़ ताल नौका विहार में ये आयोजित की गई है, जिसमें बीएसएस सर और हमारे इस विभाग के सारे बड़े अधिकारी आए थे और हमें इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरा नाम सौम्या गुप्ता है, ये मेरी फ्रेंड प्रीति है, ये निधि है और ये पीछे शिवम है। हम चारों ने इसमें मिलकर इसको टीम वर्क की तरह काम किया है और हम लोगों चारों को इसमें यहाँ पे पुरस्कार के तौर पे एक सर्टिफिकेट मिला है। क्या मैसेज है? कि लोगों को अपने वोट का महत्व समझना चाहिए, उसके अधिकार को समझना चाहिए और साथ ही साथ लोगों को इसको सोच समझ के वोट करना चाहिए। जब वोट देते समय लोगों को अपना किसी के भावकावे में नहीं आना चाहिए, ना ही कुछ अगर कोई किसी को प्रलोभन दे रहा है तो उससे दूर हटके देश को पहले रखना चाहिए और हमको सबको वोट देना चाहिए, सबका ये अधिकार है। आज हमारे मंडल में सीईओ साहब का आगमन हुआ है और आपको पता है कि पिछले दो तीन सप्ताहों से हम स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई सारे प्रोग्राम ले रहे हैं, उसी के क्रम में आज हमने ये रंगोली और एक रैली का फ्लैग ऑफ किया है। सो आपके मीडिया बंधु जितने हैं उनके थ्रू हम जनपद और मंडल की इलेक्टर से अपील करना चाहते हैं कि 19 मई के दिन वो घर से बाहर निकल के अपने एक जो अधिकार है उसका प्रयोग करें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। धन्यवाद।